ये वाली BMW X1, ये जिसने भी ये गाड़ी ली होगी ना राजा भाई, पूरा मेंटेन किया हुआ है ना, कंपनी हिस्ट्री अवेलेबल है। सो गाइस पीछे से इसका लुक देख सकते हो भाई, भाई काफी बढ़िया कंडीशन है यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई भी सेकंड हैंड कार्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो बस जो वीडियो में मैंने गाड़ियां दिखाई है वही हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी गाड़ियां उन भी सेकंड हैंड कार्स का बिजनेस करते हैं उनके पास होती है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, तो आपका स्वागत है NK जोन में, मैं हूँ आपका अपना करण। अभी मैं हूं अहमदाबाद सतगुरु कार्स एंड मोटर्स, बाइक जो कार्स सेकंड हैंड कार्स पे डीलिंग करते हैं एंड बाइक्स के भी डीलिंग करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इनके जो ओनर है उनसे मिलाता हूं। वाहेगुरु राजा भैया। वाहेगुरु। कैसे हो? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आज तो आपका व्लॉग बनने जा रहा है। बिल्कुल। और स्पेशल जो दो गाड़ियों के बारे में हम लोग बना रहे वाले व्लॉग, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास लोन वगैरह अवेलेबल है या नहीं है? सब कार्स में लोन अवेलेबल है अपने पास, 2010 से लेके बाकी की जो भी मॉडल्स की कार होती है उन पे लोन अवेलेबल है। कोई किसी का सिविल इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, चेक रिटर्न का इशू है, तो उसके भी फाइनेंस कंपनी हमारे पास है, उसको भी हम सेटल करके देते हैं। बाकी लोन अवेलेबल है हर एक मॉडल में, 2010 के बाद के सबके मॉडल में लोन अवेलेबल है। अपने पास कितना स्टॉक ऑलमोस्ट रहता है? एवरी टाइम एवरी डे 50+ कार का स्टॉक हमारे वहाँ रहता ही है। अच्छा। एवरी टाइम 50+ कार, उसमें छोटी रेंज से लेकर सेडान, हैचबैक, प्रीमियम कार, सब कार सब यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, प्रीमियम भी आप डीलिंग करते हो? सब 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 कार। एंड किसी के पास अगर कोई सेकंड हैंड कार पड़ी है उसको सेल करना है एंड आपसे लेना है, वो भी सेटलमेंट हो जाता है? मैं अब एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपको कार लेनी हो या बेचनी हो, कोई भी मॉडल की कार हो आपकी, आपको लेनी है तो भी हमसे पूछिए, आपको बेचनी है तो भी हमसे पूछिए, सब फैसिलिटी हमारे वहाँ अवेलेबल है। आपके पास कोई सेकंड हैंड कार है जो आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो और यहाँ से आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएगी। जैसे कि राजा भैया ने बताया कि इनके पास 50+ गाड़ियाँ अवेलेबल रहती है, बस कुछ दो गाड़ियाँ, ये राजा भैया बता रहे थे कि फर्स्ट ओनर आई हुई है। फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस वाली दोनों कार है मेरे पास किया की सेल्टोस आई हुई है और दूसरी अपने BMW X1 आई हुई है। दोनों जेन्युइन कार, फर्स्ट ओनर, फुल इंश्योरेंस, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी। और करण भी एक स्पेसिफिकली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वहाँ अगर जो जेन्युइन किलोमीटर वाली गाड़ी होगी उसको जेन्युइन बोल के ही देंगे, अगर उसमें रिवर्स किलोमीटर तो हम उसको क्लियर करके ही देते हैं ये रिवर्स है। सस्ते के पीछे पब्लिक मत भागो, हमेशा एक चीज देखो कि जेन्युइन गाड़ी लो, नॉन एक्सीडेंट लो और जेन्युइन किलोमीटर वाली लो और जेन्युइन बायर से लो। हम तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं कि आप ले गए, आप 10-20 रुपए वाली चॉकलेट तो ले नहीं रहे हो। आज आ रहा है पब्लिक 4-5 लाख की गाड़ी हमारे से ले रहे, तो हम उसको अपनी तरफ से भी गारंटी देते हैं कि नॉन एक्सीडेंट है, आपके वहाँ हमारे यहाँ से आपको इंजन की भी गारंटी मिलेगी। अच्छा। ऐसे नहीं आप ले गए फिर 10 दिन बाद आपको कोई प्रॉब्लम आया तो हम जवाब नहीं देंगे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने मेरे चैनल पे KB मोटर्स करके ब्लॉग बनाया था, ये एक्चुअली वही मार्केट है, वही एड्रेस है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लेना। फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हो ये इनका ऑफिस है एंड अभी क्या है, ये जो दो गाड़ियाँ आपको दिखानी है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे इनके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं बट वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए जो दो गाड़ियाँ हैं फर्स्ट ओनर आई हुई है मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे BMW X1 और इनके पास आई हुई है, किया भी इनके पास आई हुई है सेल्टोस। कंडीशन आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया कंडीशन है। तो राजा भैया ये सबसे पहले तो मेरे को BMW के बारे में बताओ। BMW 2013 फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस, 1,12,000 किलोमीटर कंपनी हिस्ट्री के साथ चला हुआ विथ पेनारोमिक सनरूफ, टोटल ओरिजिन पेंट की गाड़ी है, कोई भी इसमें कलर की स्केचिंग किया हुआ नहीं है, ना ही कुछ एक्सीडेंट है। फर्स्ट ओनर फुल इंश्योरेंस, गाड़ी में एक पीस भी कलर किया हुआ नहीं है, पूरी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, गाड़ी के टायर ब्रांड न्यू है, 1,12,000 किलोमीटर फुली कंपनी हिस्ट्री सर्विस के साथ विथ पेनारोमिक सनरूफ। अच्छा, ये सनरूफ BMW में तो खैर आता ही है ना? आता ही है बट इसमें एस ड्राइव में पैनारोमिक सनरूफ दिया हुआ। अच्छा, तो गाइस देख सकते हो इसका जो कंडीशन है ना काफी बढ़िया है। कोई भी अगर ये BMW लेगा ना भाई तो मतलब इसको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, आगे पीछे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, काफी बढ़िया मतलब कंडीशन है। अच्छा, ये पैनारोमिक मतलब पूरा ओपन? पूरा ओपन। ओके, क्या बात है, काफी बढ़िया। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है, नहीं देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ से।
एंड इसका प्राइस क्या रखा है सर आपने? इसका प्राइस आस्किंग प्राइस बोलते हैं हम 10,90,000 रुपए। ओके, क्योंकि ऑन टेबल कोई भी बैठ जाएगा तो उसको नेगोशिएबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब कोई यहाँ पे अगर आता है तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके ओके, सो गाइस देख सकते हो BMW X1 का मॉडल है, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ भाई, काफ़ी बढ़िया इसका लुक है। एंड GJ4, ओके GJ4 का ये नंबर है इसका, X1 देख सकते हो भाई। कंडीशन मतलब जैसे राजा भी बता रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया कंडीशन में ये, यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी मतलब पूरा जिसने भी ये गाड़ी ली होगी ना राजा भाई, पूरा मेंटेन किया हुआ है ना, कंपनी हिस्ट्री अवेलेबल है, कंपनी मेंटेन कार है, लास्ट मंथ तक गाड़ी कंपनी में सर्विस हो चुकी है। टोटल कितना किलोमीटर चली हुई है? 1,12,000 चली हुई। 1,12,000 चली हुई, बिल्कुल जेन्युइन किलोमीटर चली हुई। ओके भाई देख सकते हो काफी मतलब, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, इसका एक फीचर आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से इसका फीचर आता है। क्या बात है यार, काफी बढ़िया है यार, देख सकते हो है होंडा का जाज जो राजा भाई बता रहे थे कि काफी बढ़िया कंडीशन में आई हुई है, तो इसका क्या प्राइस रखा है सर आपने? होंडा जाज 2016 मॉडल VX टॉप एंड मॉडल 54,000 जेन्युइन कंपनी हिस्ट्री के साथ चला हुआ, इसका आस्किंग प्राइस है हमारा 5,90,000 रुपए। 5,90,000 फर्स्ट ओनर इंश्योरेंस नील है, एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ओके ओके, सो गाइस देख सकते हो होंडा जाज की भी कंडीशन काफी टॉप है, मतलब इनके पास जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी देखा वहाँ पे सारी गाड़ियां कम चली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सारी गाड़ियां ज़्यादातर ये फर्स्ट ओनर ही सेल करते हैं, मतलब हम एक्चुअली ऐसे बायर्स के गाड़ियां परचेस करते हैं जो एक्चुअली जेन्युइन बायर्स हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ओनर ही हम उनसे परचेस, सेकंड ओनर भी लेते हैं, थर्ड ओनर, वो उसके इंजन के हिसाब से, क्योंकि हम भी लेके आगे बेचते हैं तो आगे जिसको भी गाड़ी बेचेंगे उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 50 कार्स हमारे यहाँ अवेलेबल रहती है, छोटी बड़ी प्रीमियम सब गाड़ी अपने पास, 50 से ऊपर गाड़ी अपने वहाँ अवेलेबल रहती है भाई। देख सकते हो भाई कलेक्शन तो काफ़ी बढ़िया है। वैसे ये एरिया के बारे में, वैसे ये जो जगह है ना इसका तो मैं मैप भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चेकआउट करना, और ये जो आप साइड में नंबर देख रहे हो स्पेशल राजा भाई का नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हो। अच्छा राजा भाई एक जस्ट बात बता रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई गाड़ी लेने आता है, अगर आपके व्यूअर्स से NK में से करण भाई का नाम लेके कोई भी गाड़ी लेने अपने वहाँ आता है उनके लिए स्पेशल स्कीम रखी है। पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो पेट्रोल टैंक फुल करवा के देंगे, डीजल गाड़ी लेंगे तो डीजल टैंक फुल, पूरा फुल पूरा फुल, और साथ में दो डेयरी मिल्क भी दे देना, डेयरी मिल्क भी दे देंगे, दो नहीं तीन देंगे, उसका भी प्रॉब्लम नहीं। गाइस BMW तो मैंने आपको दिखा दी, अभी कौन सी आप दिखाएंगे वो बताइए। BMW आपने देख ली, अभी हमारे पास आई है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, किया की सेल्टोस STK प्लस 2020 मॉडल फर्स्ट ओनर, अक्टूबर तक इसका इंश्योरेंस रनिंग है, 46,000 जेन्युइन कंपनी हिस्ट्री के साथ चली हुई, ओनली 46,000 चली, 46,000 कंपनी जेन्युइन चली हुई है, 46,000। ओके भाई देख सकते हो काफ़ी मतलब कंडीशन भी इसका टॉप है, इसका वारंटी अभी बाकी आप सब बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब वारंटी बाकी, कंपनी की सब गारंटी इसमें। क्या बात है यार, मतलब कंडीशन तो यार देखो, अभी सेल्टोस तो भाई मार्केट में नहीं आई है, बिल्कुल नहीं मार्केट में गाड़ी नहीं है करण भाई, अपने पास पड़ी हुई है। क्या बात है यार, मतलब कंडीशन देखो यार गाड़ी की, मतलब जोरदार, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 46 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो गाइस, बाकी कंडीशन देखो यार पूरा मतलब फिनिशिंग किया हुआ है। और राजा भाई बता रहे थे कि कोई भी गाड़ी आप यहाँ से, इसके अलावा कोई भी गाड़ी कोई भी लेता है तो उसको आप फुल सर्विस करके देते हो? सब कंप्लीट सर्विस करके देंगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसकी गारंटी देंगे, नॉन एक्सीडेंट गाड़ी देंगे, जेन्युइन किलोमीटर वाली गाड़ी देंगे। अच्छा, सब बात की आपको अवेलेबल भाई, काफ़ी बढ़िया, मैं आपको पीछे का लुक दिखाता हूँ एक, मतलब ऐसा समझ लो इसके अंदर स्क्रेच ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, पूरा फुली पूरी मतलब न्यू है। एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना, इनके पास और भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं भाई। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जुड़ जाओगे तो ये, अगर आप जेन्युइन बायर हो, जेन्युइन आपको गाड़ी लेनी है तो आपको ये व्हाट्सअप वगैरह भी कर देते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम चली हुई है, एंड इसके अलावा प्रीमियम गाड़ी के अलावा इनके पास छोटी गाड़ियाँ भी रहती है, जैसे i10 है, वैगनार है, आल्टो है, एंड अभी इनके पास अभी कस्टमर आपके पास आल्टो सेल कर गया है ना भाई, आल्टो भी एक मस्त इनके पास आई है। फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इनके और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, इनका एक और भी शॉप है वहाँ का भी एक ब्लॉग बनाने वाले हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा भाई, अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे शेयर करना, अपने फैमिली में शेयर करना, और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, मेरे चैनल में जाना, अंदर वीडियोज़ में जाना, काफ़ी सारे वीडियोज़ है, चेकआउट ज़रूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 6,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मुझे, 10,000 कंप्लीट करने, प्लीज़ कर देना, एंड वीडियो आगे शेयर जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अच्छा ये भी कमेंट करना कि आपके पास अभी कौन सी रिसेंटली कार है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। राजा भाई हमारे व्लॉग जब एंड करते हैं ना तब हम लोग जय हिंद बोलते हैं, तो एक बार हमारी आपकी स्टाइल में बोल देंगे, जय हिंद।
हूँ।